हाँ, तो क्या कर रहे थे हम? ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से कैसे बचा जा सकता है, और उसमें क्या किया? इंटरनल हेजिंग। और इंटरनल हेजिंग में सबसे पहले हमने किया लीडिंग एंड लैगिंग। सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। इनवॉइसिंग किया, नेटिंग किया, मैचिंग किया, मतलब आउटसोर्सिंग। फिर हम पहुंच गए कहाँ? एक्सटर्नल हेजिंग में एक फॉरवर्ड कवर किया। फॉरवर्ड कवर के बाद हम लोगों ने मनी मार्केट कवर किया। अब उसके बाद फिर हम आगे चलने वाले हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेटिव मिक्स करके। एक्चुअली सर, एक्सटर्नल हेजिंग में क्या करोगे? नाम है करेंसी। फ्यूचर। अब जो मैं बात करूंगा, मैं करेंसी फ्यूचर की बात करूंगा, ठीक है सर? ये करेंसी फ्यूचर है क्या बेटे? एक सिंपल सा एग्जांपल सोच के देखना क्या है। मान लो हम इंडिया के रहने वाले, ठीक है सर? ये बाहर वाली पार्टी है यूएस, ये हम और ये बाहर वाली पार्टी। अभी क्या किया हम लोगों ने? इंपोर्ट किया। मान लो इंपोर्ट, तो पेबल है, और मान लो बेटे $1,00,000 पेबल है, और पेबल अभी नहीं है, पे करना है हमें 3 महीने बाद। तो बोलो डर है कि नहीं है? यस। कौन सा एक्सपोजर है? ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। बात समझ में आती है? आज रेट क्या चल रहा है? स्पॉट रेट आज चल रहा है $1 का रेट, मान लो ₹60। अब हम बैंक के पास गए और बैंक से कहे, बैंक बैंक हमको ना आज डॉलर नहीं चाहिए, हमको चाहिए 3 महीने बाद, बताओ किस हिसाब से देंगे? और बैंक ने कहा हम देंगे $1.62 के हिसाब से, हो सकता है। अब हम कह रहे यार $1 कितने के हिसाब से? 62। मैंने कहा यार ₹2 का लॉस है भाई, अभी खरीद लूं तो ₹60 का, पर अभी खरीद रहा नहीं है, 3 महीने बाद ही तो डॉलर का पेमेंट करना मुझे सामने वाली पार्टी को, तो मुझे तो 3 महीने बाद खरीदना, और 3 महीने बाद डॉलर का रेट कितना चल रहा है? 62। मैंने कहा यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं बैंक गया और बैंक में जाके कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया ओवर द काउंटर कि मुझे 62 के हिसाब से दे देना। एक ये तरीका है, टेंशन तो खत्म हो जाएगा ना भाई। फ्यूचर में अगर इससे भी महंगा हो गया डॉलर तो आप तो बर्बाद हो जाओगे, तो चलो बुक कर लो। एक तो ये तरीका फॉरवर्ड कवर। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा ये हो सकता है, दूसरा तरीका समझना ठीक से, मुझे बस इतना समझाओ, क्या स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर बिकता है? नहीं सर, डॉलर तो नहीं बिकता स्टॉक एक्सचेंज में, नहीं बिकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एथोराइज कर देती है जिन पर्सन को, एथोराइज डीलर बोलते हैं जनरली, वो बैंक होती, बैंक में डॉलर बिकते हैं। पर सर स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर बिकता तो नहीं है, पर वहां भी बाय सेल तो हमने सुना है बिट्टे, वही तो वो है सट्टा सर। मतलब डॉलर बिकता बिकता नहीं है, पर डॉलर पे शर्त तो लगा सकते हैं। बोले हाँ, अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। हम इंडिया में ही किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, स्टॉक एक्सचेंज के पास, इस बार बैंक के पास नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं सब के सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन वगैरह भी होता है, लेकिन अगर आप बैंक के साथ काम करो, बैंक के साथ, तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द काउंटर। बाकी मैं डेरिवेटिव में समझा चुका हूँ, ठीक है सर? तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज सुनो ना, आपके यहाँ शर्त लगती है क्या? शर्त? बोले अच्छा लगती तो है। बोले
किस बात का किस शर्त लगाना? बोले डॉलर पे शर्त लगाना। बोले डॉलर पे शर्त का मतलब समझना, आपको किस बात का डर है? सर हमको डर ये है कि डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, यही बात है। डॉलर का रेट बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो अब ना मैं सोच रहा हूं जिस बात का डर है, अफ्रेड है, किस चीज का मुझे डर है कि डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, जिस चीज का डर है चलो उसी से कमात के निकलते, उसी पे बैटिंग करते। और बैटिंग करने के लिए मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच गया। मैंने कहा सुनो स्टॉक एक्सचेंज मुझको ना बैटिंग करनी। बोले अच्छा किस चीज पे बैटिंग करनी? मैंने कहा मुझे ना डॉलर पे बैटिंग करनी, डॉलर पे। तो स्टॉक एक्सचेंज बोलते डॉलर पे बैटिंग हो सकती है? बोले कब के लिए बैटिंग करनी है? आपको बहुत सारे ऑप्शन है, आपको 1 मंथ के लिए बैटिंग करनी है, 1 मंथ वाले के लिए, 2 मंथ वाले के लिए, 3 मंथ। बोले इसके लिए बैटिंग का रेट अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ऐसे अलग अलग रेट होते हैं। मैंने कहा आज से 3 महीने बाद वाले रेट पे बैटिंग कर। बोले उसके लिए अभी बैटिंग का रेट चल रहा $1 = ₹61। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ अब आप इस पे बैटिंग कर सकते हो कि डॉलर का रेट 61 से बढ़ेगा कि 61 से कम होगा, आप इस रेट पे बैटिंग कर सकते हो। मैंने कहा वाह। मैंने कहा मैं चलो चलो इसी पे बैटिंग करना चाहता हूँ। बोले क्या बैटिंग कर रहा? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर का रेट बढ़ेगा। बोले ठीक है बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छा कर लो। क्यों बैटिंग किया बढ़ने पे? क्योंकि मुझे मालूम है अगर डॉलर का रेट बढ़ा नो डाउट मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, पर ज्यादा तो देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, पर इधर से तो प्रॉफिट हो जाएगा ना क्योंकि मैंने बैटिंग कर रखा है। तो बस मैं वही काम करने वाला हूं, अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो मुझे इधर ज्यादा देना पड़ेगा, महंगे में खरीदना पड़ेगा बैंक से, कोई इश्यू नहीं है, पर मुझे प्रॉफिट तो हो जाएगा। किस पर? स्टॉक एक्सचेंज से। मैंने कहा ठीक है स्टॉक एक्सचेंज मुझे बैटिंग करनी है कि डॉलर का रेट बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा पक्का? मैंने कहा पक्का। बैटिंग कर लिया ठीक है सारी सिचुएशन है। मैंने कहा मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, 62 के हिसाब से नहीं खरीदना। मैंने कुछ नहीं किया, बैटिंग कर लिया, बस बात खत्म। अब एक बात मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। स्टॉक एक्सचेंज में अलग रेट चलते हैं और एक्चुअल जब डॉलर खरीदने जाओ तो अलग रेट चलते हैं। जनरली होता है कैश मार्केट बोलूँ? हाँ सर, जनरली डॉलर का रेट अगर कैश मार्केट में बढ़ता है, कैश मार्केट में, तो इधर भी स्टॉक एक्सचेंज में भी डॉलर का रेट बढ़ता है। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बोल सकता, लेकिन कैश मार्केट में जैसे मैं अभी पता लगाने जाऊँगा डॉलर का रेट कहाँ, ऑथराइज डीलर के पास, तो वो कुछ और रेट बताएगा। स्टॉक एक्सचेंज में बैटिंग करने का कुछ और रेट है, लेकिन अगर एक जगह का बढ़ता है तो स्टॉक एक्सचेंज में जो बैटिंग वाला रेट है ना वो भी बढ़ता है। ठीक है ठीक है, बैटिंग कर चुका हूँ, अभी रेट कितना है 60। बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का सोच रहा हूँ, हालांकि बैंक वाले ने रेट कितना बताया था 62। किस्मत से 3 महीने बाद जब ये वाला रेट 3 महीने बाद जो स्पॉट रेट ये था ना ये बढ़ गया, ओहो मैं तो परेशान हो गया बेटे, 63 हो गया, मुझे लॉस है क्योंकि अब मुझे ₹3 महंगा खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा यार दिक्कत है, पहले तो 60 के हिसाब से अब 63 के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। पर मैंने कहा एक बार स्टॉक एक्सचेंज देख, मैं बैटिंग किया है ना मैंने, चलो स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज मैंने फिर से बोल रहा हूँ अगर कैश मार्केट में बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा कह नहीं सकते। यहाँ हो गया 62.5। अब सोचो, अब सोचना ध्यान से, क्या मुझे महंगा डॉलर खरीदना पड़ेगा? हाँ। कितने रुपए महंगा खरीदना पड़ेगा? 63 का, और मैं परेशान हूँ कि अब मुझे 63 का डॉलर खरीदना पड़ेगा, 63 रुपीस के हिसाब से, क्योंकि मैंने कुछ तो किया नहीं, और रेट कितना हो गया 63 3 महीने बाद। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं पहुँचा स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज के पास गया। मैंने कहा सुनो सुनो स्टॉक एक्सचेंज में जीता कि हारा बता दो। बोले आपने किस साइड बैटिंग किया था? मैंने कहा अपसाइड। तो बोले अपसाइड बैटिंग किया तो भाई अभी रेट जिस रेट पे आपने बैटिंग किया आज वो रेट बढ़ के 62.5 हो गया, तो बोले आप जीत गए। मैंने कहा वाह, मैं कितने रुपए से जीता? मैं 1.50 रुपए जीत गया, तो इधर से मुझे 1.5 रुपए मिल जाएगा, तो इधर से मिल गया 1.5 रुपए,
तो भी मुझे कितने का पड़ा? 61.5 का ही डॉलर पड़ा। ठीक, दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है, इधर से कोई डॉलर की डिलीवरी नहीं मिलने वाली है, पर बैटिंग करने से मुझे फायदा हो जाएगा और जितना मुझे देना है इधर से फायदा आ जाएगा तो नेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते तो 62 पड़ता, 62, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से मुझे 61.5 पड़ा। सर भगवान ना करे अगर ये रेट 60 ना होकर 3 महीने बाद 58 हो जाता तो फिर इधर भी कम हो जाता। हाँ बिल्कुल सही, मान लो इधर कितना हो जाता, 59 हो जाता, फिर सोचो क्या होता, फिर ये होता कि मैं बहुत खुश हो जाता क्योंकि मुझे डॉलर का पेमेंट करना है और मैंने कोई हेजिंग वेजिंग तो किया नहीं, बस इधर बैटिंग की अपसाइड। तो अब मुझे 60 की जगह कितने का खरीदना पड़ेगा? अब तो मुझे 58 रुपये का एक डॉलर पड़ेगा, 58 का एक्चुअल में। अब मैं स्टॉक एक्सचेंज जाके पता तो करूं, शायद उधर से कोई प्रॉफिट हुआ होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचा, मैंने कहा सुनो स्टॉक एक्सचेंज मैंने बैटिंग किया था याद है आपको 3 महीने पहले? बोले हाँ। अब मैंने कहा था बढ़ेगा? बोले अच्छा है, बढ़ा नहीं कम हो गया। ओहो, और बोले कम हो गया तो आपको साहब लॉस हो गया इस बार? मैंने कहा अच्छा कितने का लॉस हो गया? बोले 2 रुपए का लॉस हो गया। मैंने कहा ठीक है भैया 2 रुपए आप भी पकड़ लो। तो 58 का डॉलर खरीदा और 2 रुपए मुझे स्टॉक एक्सचेंज को भी देना पड़ा, तो टोटल मुझे डॉलर कितने का पड़ा? 60 का पड़ा। तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये काम नहीं करता, मैं फॉरवर्ड कवर करता तो मुझे डॉलर कितने का पड़ रहा था? 62। तो पूरे करेंसी ऑप्शन में करेंसी फ्यूचर में ना हमको बैटिंग ही करनी है, और बैटिंग किस साइड करनी है? जिस बात का डर है उस पे बैटिंग करनी है। अगर मुझको पेमेंट करना है तो डॉलर देना है, अगर डॉलर देना है तो किस बात का डर? डॉलर के बढ़ने का डर, तो चलो अपसाइड बैटिंग कर लेते हैं, जो भी कमाएंगे इधर से मिल जाएगा, बात खत्म। अगर एक्सपोर्ट किया है आने वाला है तो किस बात का डर? डॉलर आने वाला है तो डॉलर का कहीं रेट कहीं कम ना हो जाए, और जिस बात का डर है उसी पे मैं बैटिंग कर लेता हूँ। दिस इज करेंसी फ्यूचर। सर मार्जिन वार्जिन भी जमा करना होता कि यस डेरिवेटिव पढ़ा तो मार्जिन वार्जिन जमा करना होता। अच्छा एक बात होता, मार्जिन कब जमा करना होता स्टॉक एक्सचेंज में? आज कि 3 महीने बाद? सर मार्जिन तो आज ही जमा करना पड़ता है। मार्जिन का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऐसा समझ लो। उसी में कुछ वेरिएशन वगैरह होता है, खैर वो डेरिवेटिव में आपने पढ़ा हुआ, उतना मुझे डिटेल में नहीं जाना। हालांकि वो मार्जिन आपको वापस मिल जाता है प्रॉफिट जोड़कर, पर यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लेना ही पड़ेगा ना यार। आज मार्जिन जमा करूंगा कहीं बैंक वैंक से उधार लेकर, तो उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। अब ऐसी बहुत सारी बातें बोलूं, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो तब है जब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवाऊँ, एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए काम करूँ। तो टोटल अगर करेंसी फ्यूचर करना है तो टोटल 4 एग्जाम्पल करवाऊंगा। इम्पोर्टर के हिसाब से एग्जाम्पल करवाऊंगा, दो दो करेंसी लेके, कभी मैं अपने यहाँ का रेट दे दूंगा, कभी वहाँ का रेट, कभी डॉलर का रेट, कभी रुपया का रेट, ताकि पूरा क्लियरिटी आ जाए। और फिर मैं 4 एग्जाम्पल करवाने के बाद एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो लिखवाने से पहले, कुछ भी लिखवाने से पहले स्टेप्स लिखवाऊंगा, उन सब चीज़ों की कोई रेलिवेंसी नहीं है बेटे, आपको याद ना करना पड़े उसकी अपेक्षा मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। करेंसी फ्यूचर की बात हो रही है, चलो जी टोटल 4 एग्जाम्पल करने और चारों इंपॉर्टेंट, ये 4 कर लीजिए, क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं बना रहा हूं, ये राम, इंडिया, ठीक है, और यहां बात कर लो US, ये एक पर्सन है, नाम लिख देता हूँ इसका मिस्टर ए ताकि दिक्कत ना हो।
इंपोर्ट किया, तो पक्का पे करना है। सर क्या पे करना है? डॉलर 1 लाख कब? आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद। ठीक, अब और भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे काम करवाऊंगा। स्पॉट रेट आज का रेट ले लीजिए, $1 = ₹60, एक ही रेट दे रहा हूँ। ठीक, पहले समझ लो, फिर भी डास्क वाला भी कर लेना भाई, पहले अच्छे से समझ लो स्पॉट रेट। पर मुझे आज डॉलर थोड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। अच्छा ऐसा भी दे देता हूँ, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, $1 = ₹60। अच्छा और एक रेट ले देते, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, $1 = ₹62.50। हालांकि 1 मंथ वाला आपके काम का नहीं है, आपको तो 3 मंथ से, पर एग्जाम में ना क्वेश्चन में ऐसा 1 मंथ वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये बैंक का है, बैंक बैंक कहते आज भी 1 महीने बाद भी। अब सब हम स्टॉक एक्सचेंज से जाकर बात करें, यस इट मीन्स करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, करेंसी फ्यूचर। अब करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, खास बात है स्टॉक एक्सचेंज में जो बैटिंग करते हो तो अपना दिल किया कि यार $4,000 लग रहा है, $4,500 लग रहा, चलो बैटिंग करते हो, बोले ऐसा नहीं होता। करेंसी फ्यूचर या स्टॉक एक्सचेंज में एक स्पेसिफिक लॉट होता है और उस लॉट साइज में ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं कॉन्ट्रैक्ट साइज $9,000, आपको 9,000 या उसके मल्टीपल में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा करेंसी फ्यूचर रेट, क्या आप 1 मंथ में बैटिंग करना चाहते हो? तो 1 मंथ के लिए रेट चल रहा है $1 = ₹62.75 और 3 मंथ्स के लिए रेट चल रहा है $1 = ₹63.50। हमने कहा ठीक, ये किसके हिसाब से? स्टॉक एक्सचेंज, इनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं, बस कोरिलेशन की बात करो तो कैश मार्केट का बढ़ता है तो यहां भी बढ़ता है। ठीक है, मतलब अगर आपको 1 महीने के लिए बैटिंग करनी तो इस पे कर सकते हो, अगर आपको 3 मंथ्स के लिए बैटिंग करनी तो इस पे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मार्जिन भी जमा करना पड़ता है, मार्जिन अगर आप सिर्फ 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 मंथ के लिए, तो मार्जिन रहेगा ₹15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 8%। सर इसका क्या यूज है समझाऊंगा। और अगर आप 3 मंथ्स के लिए, तो मार्जिन जमा करना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट पे 20,000 और यहाँ रेट ऑफ है 10% पर एनम। ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा रहेगा? आगे लिखा रहेगा, अब तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ सेट करके। ऑन मैच्योरिटी या आफ्टर 3 मंथ स्पॉट रेट $1 = ₹62.25।
इसको बढ़ा देता हूं। एन करेंसी फ्यूचर रेट, डॉलर वन इज इक्वल टू रुपीस 65। अब आपको जो देखना है वो देखना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि करेंसी फ्यूचर। धीरे धीरे काम करवाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि बेटे बिल्कुल स्लो करना है इसको, सब गड़बड़ मत कर देना। तो पहला ऑप्शन नंबर वन, फॉरवर्ड का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहां लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यार ये करेंसी फ्यूचर तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस इतना मालूम है भैया 3 महीने बाद डॉलर का पेमेंट करना है और 3 महीने बाद बैंक मुझको कितने के हिसाब से डॉलर दे देगा, 62.50 के हिसाब से, खत्म। नहीं करना मुझे, झंझट में नहीं पड़ना। तो ठीक है भाई, तो क्या लिखे, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर 1 लाख एट 3 months फॉरवर्ड रेट, तो कितना पड़ेगा भाई, डॉलर 1 लाख इंटू रुपीज 62.50। तो ये पड़ेगा आपको रुपीज में रुपीज 62,50,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है। ठीक है भाई, कुछ मत करो, एक काम करो, 62,50,000 का पेमेंट होना है, 1,00,000 खरीद लेंगे हम और बैंक से कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते हैं 62.50 के हिसाब से, तो टेंशन तो खत्म हो गया ना, 62,50,000 रुपया लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। यस, एक काम तो ये हो सकता। दूसरा काम क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर टू, यही मैं समझाने के लिए हूं आप, ऑप्शन नंबर टू करेंसी फ्यूचर। बस बेटे ये अच्छे से समझना, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको किस चीज का डर है। सर सुनो, हमको डॉलर का पेमेंट करना है। जी, अगर हमको डॉलर का पेमेंट करना है तो हमको डर है कि डॉलर का रेट बढ़ना चाहे। एग्जैक्टली, और एक बात है, रेट किसका दिया है, बेटिंग किस में करना, डॉलर में ही करना है, डॉलर का ही रेट दिया ना, बेस करेंसी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो चलो बेटिंग कर लेते, किस साइड बेटिंग, जिस बात का डर उसी पे बेटिंग। किस बात का डर, डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, तो चलो उसी पे बैटिंग कर लेते हैं, तो डॉलर राइजिंग ऐसा करके हम बैटिंग कर लेंगे। तो वो बात आपको यहां लिखनी पड़ेगी, तो लिखोगे वी एफरेट ऑफ डॉलर राइजिंग, डॉलर के बढ़ने का डर, हेंस वी टेक लॉन्ग पोजिशन। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजिशन समझते हो, डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है मुझसे। वी टेक लॉन्ग पोजिशन का मतलब अपसाइड बैटिंग, ऑन डॉलर, डॉलर पे अपसाइड बैटिंग कर रहे हैं, एट कितने मंथ के लिए, 3 months फ्यूचर रेट, दैट इज डॉलर वन फ्यूचर, किस पे बैटिंग किया, ये वाला रेट 3 मंथ वाला 63.50।
रुपीज 63.50, यहाँ तक कम हो चुका है। ठीक है सर, तो हमको जो जिस बात का डर था आपने अपसाइड बैटिंग कर ली। अब इतना करने के बाद आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बताओ भाई कितने डॉलर के लिए बैटिंग करना चाहते हो? 1 लाख डॉलर। और कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? चेक कीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये दिख रहा है $9,000, तो डिवाइडेड बाय 9,000, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 9,000, 11.11 कॉन्ट्रैक्ट। सर तो कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रैक्शन में नहीं होगे। हाँ बेटे, तो क्या करे? तो एप्रोक्स कितना ले लो? 11 कॉन्ट्रैक्ट। सर 12 क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, पर नियर किसके हैं? 11 के, तो 11। अगर ये होता है 11.80 तो 12 लिख देता, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। यहाँ फ्रैक्शन को इग्नोर कर दे, इग्नोर या अपर साइड राउंड ऑफ करें। इधर 1-1 है तो 11 ले लिया, अगर यहाँ 8-1 होता तो 12 लेता, 0.5 के उधर 12। ठीक है, 11 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये फाइनल हो गए। ठीक है, तो अब 11 कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए, इसके बाद क्या करना है? मार्जिन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। भाई मार्जिन तो जमा करना पड़ेगा। यस, मार्जिन रिक्वायरमेंट बताओ बेटे, 1 महीने है ड्यू डेट कि 3 महीने? सर 3 महीने, तो 20,000 रुपया मार्जिन जमा करना पड़ेगा। यस, रुपीज 20,000। याद रखना ये पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 11 कॉन्ट्रैक्ट का कितना? 20,000 × 11, तो 2,20,000 रुपए मार्जिन जमा करना है। सुनो, ये पैसा वापस मिल जाएगा, तो बस इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया फाइनल। तो ये तो हो गया फाइनल, अब क्या करना है? अब ऑन सेटलमेंट डेट, इसी में ऑप्शन नंबर 2 में आगे लिखोगे ऑन मैच्योरिटी डेट या सेटलमेंट डेट। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज या करेंसी फ्यूचर की बात करो, आप जीते कि हारे। आपने बैटिंग किया था कि 63.50 से ऊपर जाएगा रेट। चेक करो मैच्योरिटी या सेटलमेंट डेट को क्या हुआ। सेटलमेंट डेट को स्पॉट रेट हुआ 63, ये तो बैंक वाला है। करेंसी फ्यूचर रेट कितना हो गया? 65, और जबकि आपने बैटिंग किया था 63 से ऊपर जाएगा, तो क्या हम जीत गए? यस, तो क्या लिखोगे सीधा? प्रॉफिट ऑन लॉन्ग, आगे कहानी भी लिख सकते, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पोजीशन ऑफ करेंसी फ्यूचर। कितने रुपए जीते जरा देखते हैं। रुपीस कितना हो गया भाई? 65, आपने कहा था 63.50 से 1.5 रुपए जीत गए। कितने डॉलर पे? सर 9,000 डॉलर, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 11। तो $1 पर इतना जीते, तो 99,000 डॉलर पे आप कितना रुपया जीत गए? 65 माइनस 63.5 इंटू 9,000 इंटू 11, तो आप जीत गए रुपीस 148,500। ठीक, और इतना रुपया आपको स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा प्रॉफिट के तौर पे, बहुत अच्छी बात है। अब टोटल कितना पेबल है? तो अब सीधा निकालते टोटल अमाउंट पेबल।
टू लिटिल अमाउंट पेबल। क्या करोगे? बाय डॉलर 1 लाख। भाई 1 लाख डॉलर तो खरीदना ही पड़ेगा, इसको पहुंचाना है, तो कहां से खरीदोगे? सर फॉरवर्ड रेट पे, बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपने किया ही नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि 3 महीने बाद रेट क्या हो गया, और 3 महीने बाद रेट क्या हो गया, 63। तो आपको तो 63 का खरीदना पड़ेगा बाय डॉलर 1 लाख एट स्पॉट रेट। स्पॉट रेट कब का? मैच्योरिटी डेट का। तो डॉलर 1 लाख इंटू 63, तो 63 लाख तो ये जाएगा आपके पास से, ठीक है, ये आउटफ्लो है आपके, 63 लाख से जाने वाला है, ठीक है सर, 63 लाख तो ये जाएगा। पर आपको, और सुनो, मार्जिन भी तो जमा किया था आपने 2,20,000, हाँ, और मार्जिन कब जमा होना करना पड़ता? एडवांस में, आज ही, तो उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो लेना पड़ेगा, हाँ सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी आपका आउटफ्लो है ऑन मार्जिन। कितना रुपया मार्जिन जमा किया था भाई? 2,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर? ये 8% 10% क्या है बेटे? होता है ना, अगर आप 1 मंथ के लिए उधार लो बैंक से तो बैंक बोलेगा 8% पर एनम, लेकिन जैसे ही पीरियड बढ़ाओगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया गया 10% पर एनम, तो हमको ये वाला रेट उठाना पड़ेगा 10% पर एनम, 10% इंटू 3/12। सिर्फ इंटरेस्ट का कॉस्ट ले रहा हूँ, क्यों सर? क्योंकि मार्जिन तो रिफंड मिल जाता है। अच्छा सर, तो 2,20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो 5,500 का ये भी एक कॉस्ट पड़ा, पर इसमें से माइनस कुछ पैसा स्टॉक एक्सचेंज से आप जीते ना, तो क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑन करेंसी फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर से आपको प्रॉफिट हुआ, और कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹148,500। और ये प्रॉफिट हुआ तो ये मेरा इनफ्लो, तो ये माइनस कर दूंगा, तो चेक करो कितना हो रहा है पूरा। 63 लाख ये देना पड़ा, 5,500 ये आया, माइनस 148,500, तो यहाँ पड़ रहा है ₹61,57,000 कैश आउटफ्लो अंडर करेंसी फ्यूचर। अच्छा सर, कितना कॉस्ट पड़ा आपको? ये कॉस्ट पड़ा 61 लाख, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 62,50,000। बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा है? सर करेंसी फ्यूचर इज बेटर, क्योंकि इसमें आउटफ्लो कम है, तो बस लिख देंगे, इधर नहीं इधर लिख देता, करेंसी फ्यूचर इज बेटर ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लोस। तो इस तरह से काम होता है, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। टोटल कितने एग्जाम्पल करवाना मैंने कहा था? 4, उसमें से ये पहला एग्जाम्पल हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे हमने बात को किया, ठीक है जी। 4 क्या? 3 एग्जाम्पल में काम हो जाएगा, 3 एग्जाम्पल में, ठीक है जी, ठीक है जी सर। 3 एग्जाम्पल में मैं सेट कर दूंगा, तीसरा वाला एग्जाम्पल, तीसरा चौथा दोनों को मिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की हमने, और एग्जाम्पल नंबर 2 में यहां नोट कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 सिचुएशन वही रखते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए कि कैसे करना। ये एक पर्सन इंडिया का, जिसका हमने नाम क्या रखा था? राम। और ये एक पर्सन कहां का? यूएस का, ठीक है, ठीक है सर। तो क्या हो रहा है जरा देखते हैं। इम्पोर्ट,
इम्पोर्ट है तो पक्का भाई पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट उतना ही करना है $1,00,000। और जो पेमेंट करना ना बेटे वो करना है आफ्टर 3 मंथ, सारी सिचुएशन सेम, बस रेट में थोड़े से यहां चेंज करके दूंगा आपको। तो भाई स्पॉट रेट बताओ, स्पॉट रेट है ₹1 = ₹0.0165। खास बात बस इतनी सी है कि अब रुपया का रेट दिया है, अब पिछले एग्जाम्पल में डॉलर का रेट दिया था। अच्छा सर, तो सर क्या फर्क पड़ा बेटे, बस यही समझना है, ये समझाओ 1 मंथ फॉरवर्ड रेट जो कि किसी काम का नहीं है, पर फिर भी एग्जाम में आ जाता। ₹0.0160 और 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट ₹1 = ₹0.0158। तो ये रेट दिया हुआ है, ये है कैश मार्केट का। अब और भी रेट दिया होगा, कहां का रेट दिया होगा, करेंसी फ्यूचर का। करेंसी फ्यूचर मतलब स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड रेट। और करेंसी फ्यूचर के रेट क्या क्या दिया हुआ जरा देख लेते हैं, यहां इससे लिख देता हूं। तो करेंसी फ्यूचर रेट और वो चल रहा है। अब इसमें भी ऐसा तो होगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास गए तो वो कहेगा 1 मंथ के लिए कि 3 मंथ के लिए। तो 1 मंथ रेट, 1 मंथ वाला रेट चल रहा है ₹1 = ₹0.0162 और 3 मंथ वाले पे भी बैटिंग कर सकते, ₹0.0159 ये रेट चल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब करेंसी फ्यूचर रेट लिख लिया, अब लिखते हैं मार्जिन भी तो लगेगा भाई। यस, मार्जिन। तो मार्जिन 1 मंथ के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है या 3 मंथ के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है। मार्जिन है 15,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ है 20,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ 8% और यहाँ रेट है 10%। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बताओगे? यस, कॉन्ट्रैक्ट साइज ले लीजिए, ₹5,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। ठीक है, ठीक है सर।
सर सेटलमेंट डेट की बात करोगे? यस, सेटलमेंट डेट को क्या होगा? ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी स्पॉट रेट रुपीज वन इज इक्वल टू डॉलर्स। जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव सिक्स एन। करेंसी फ्यूचर रेट रुपीज वन इज इक्वल टू डॉलर 0.0154। ये रेट हो गया। अब आपसे पूछेगा कि क्या बताइए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है कि करेंसी फ्यूचर में फायदा है? बस यही दो ऑप्शन हो गए और यही मैं आपको करके बताऊंगा। बस खास बात क्या है, इस बार जो दे रखा है वो रुपया का रेट दे रखा है। एग्जाम में ना क्वेश्चंस आए हुए हैं, खास बात एग्जाम में क्वेश्चन इस करेंसी में आए हैं, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। सब करेंगे कैसे? वैसे ही नॉर्मल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर वन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे? $1,00,000 किस रेट पे? बैंक का जो भी फॉरवर्ड रेट होगा। फॉरवर्ड रेट कौन सा? ये वाला, वन मंथ वाला मेरे काम का नहीं है। तो बाय लिखोगे बाय डॉलर 1,00,000 एट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। सीधी सी बात है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट पे हम खरीद लेंगे डॉलर। तो भाई 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, लेकिन खास बात है कि डॉलर दिया हुआ है और रुपया का रेट दिया हुआ है। डॉलर 1,00,000, डॉलर का ही रेट दिया होता तो मल्टीप्लाई पर, रेट तो बेस करेंसी रुपये से, तो डिवाइड करना पड़ेगा 0.0158। निकाल लेते हैं, 1,00,000 डिवाइडेड 0.0158, तो पेमेंट होगा टोटल मिलाकर रुपीस 6,329,114। ठीक है यहां तक? ठीक है सर, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किस में है? ऑप्शन नंबर टू, करेंसी फ्यूचर। ठीक है, करेंसी फ्यूचर में हमेशा पहले ये डिसाइड करना कि आपको डर किस बात का है, और जिस बात का डर है उसी में बैटिंग करना। एक्चुअल के तैयार हो? जी सर। सोचो बेटे क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट तो देना है, डॉलर देना है, तो सर डर है डॉलर के बढ़ने का। एग्जैक्टली, अगर डॉलर के बढ़ने का डर है तो पक्का हम अपसाइड बैटिंग करते हैं डॉलर में। पर बेस करेंसी कौन सी, किसका रेट दिया? रुपया का रेट दिया, तो भैया रुपया के एंगल से बताओ ना आपको किस बात का डर है। सर तो डॉलर के बढ़ने का डर है, इसका मतलब रुपया के गिरने का डर है। एग्जैक्टली, तो हम अब रुपया में बैटिंग करना, हमको डॉलर में बैटिंग नहीं करना है। और रुपया में कौन सा पोजिशन लेंगे? सर डाउन साइड बैटिंग, जिस बात का डर उसी में शर्त लगानी है। अच्छा सर, इसमें तो उल्टा उल्टा सोचना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ, पर फिर भी आराम से एक हमेशा चीज सोच लिया करो, रेट किसका दिया है, ऑटोमेटिक बात समझ में जाएगी।
ठीक है, तो पहला डॉट हम उसी का लगाएंगे कि हमको क्या करना। तो लिखो वी अफ्रेट ऑफ डॉलर राइजिंग, डॉलर के बढ़ने का डर, बट बेस करेंसी इज रुपीस, हेंस इट मीन्स, ऐसा कर लो, बेस करेंसी इज रुपीस, इट मीन्स रुपीस फॉलिंग, रुपया का गिरने का डर। तो क्या करोगे, वी टेक, गिरने के लिए शर्त लगा लेंगे, शॉर्ट पोजिशन ऑन रुपीस एट 3 month फ्यूचर रेट, दैट इज रुपीज 1 इज इक्वल टू, किस पे बैटिंग करोगे, इस पे बैटिंग करोगे, डॉलर 0.0159। फाइनल हो गया कि हम ये बोल रहे हैं कि रुपया का रेट इससे कम हो जाएगा। चलो शर्त लगाए, लगा लिया। अब दूसरे नंबर पे हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीज हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमेशा डॉलर्स पेबल, कितना डॉलर पेबल है, 1 lakh, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज, और कॉन्ट्रैक्ट साइज ये दिया हुआ, ये कि भाई कितना, रुपीस 5,60,000। ओहो बेटे, अब तो समस्या है, डॉलर हमको पता है, डॉलर्स में करेंसी, पर कॉन्ट्रैक्ट साइज तो रुपीस में है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा बेटे, हमको जो 1 lakh पेबल है ना, 1 lakh डॉलर पेबल, उसको रुपीज इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सर क्यों, इसको चेंज नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स रहेगा, हमको इसको चेंज करना है। तो ये क्या है, हमको पेबल अमाउंट है, तो यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट इन रुपीस, इसको ठीक कर दूं, इक्विवेलेंट इन रुपीस, डॉलर 1 lakh डिवाइडेड बाय, भाई रुपया में बनाना पड़ेगा ना 1 lakh, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज रुपीस में है, तो जो मेरा इंपोर्ट प्रोसीड्स है उसको भी मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर किस रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस रेट के लिए आप बैटिंग कर रहे हो, इस पे बैटिंग कर रहे हो ना, इसी रेट पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.0159। तो कितना आ रहा देख लेते हैं, 1 lakh डिवाइडेड बाय 0.0159, तो ये आ गया रुपीस 62,89,308। इतना रुपया है, तो क्या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल सकते हैं, यस अब निकल सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रुपीस 62,89,308 डिवाइडेड बाय रुपीस 5,60,000। तो 11.23 कॉन्ट्रैक्ट्स आया, 11.23 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज 11 कॉन्ट्रैक्ट्स।
हम 11 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तक ठीक है। और किस चीज़, कौन सा पोजीशन लेंगे? शॉर्ट पोजीशन लेंगे, कोई बात ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? अब आ जाते, अच्छा मार्जिन भी लिख ले कि मार्जिन कितना जमा करना पड़ेगा। मार्जिन कितने, कितना है बेटे? अच्छा मार्जिन में भी तो दिक्कत है, 1 मंथ की 3 मंथ? सर बात साफ है, 3 मंथ वाला लेंगे। यस, 1 मंथ वाला हमारे किसी काम का नहीं है। आगे से, आगे वाले एग्जांपल से मैं 1 मंथ दिया ही नहीं करूँगा, वो तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। 3 मंथ वाला ले लेते, तो मार्जिन ले लेते हैं। कितना रुपया मार्जिन? 20,000। कितने कॉन्ट्रैक्ट से? 11। तो मार्जिन कितना हो गया? सर मार्जिन जमा करना पड़ेगा 2,20,000, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको लेना पड़ेगा बाद। ठीक, यहाँ तक काम हो चुका है, अब क्या करना? ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी या सेटलमेंट डेट को क्या होगा? सेटलमेंट डेट को सबसे पहला काम है कि आप स्टॉक एक्सचेंज या करेंसी फ्यूचर में जाकर पता करोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। अच्छा, किस रेट पे बेटिंग किया गया था? इस रेट पे, ठीक है। अब ऑन सेटलमेंट डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट, प्राइस ऑफ रुपीस इन करेंसी फ्यूचर, क्या रेट हो गया रुपया का? ये दिखा है बेटे, ऑन मैच्योरिटी, ऑन सेटलमेंट डेट। सर ये वाला स्पॉट रेट बेटे, ये वाला नहीं, ये तो एक्चुअल कैश मार्केट की बात है। एंड करेंसी फ्यूचर रेट, ये काम का है, कितना हो गया? 0.0154। Hence, अब ये बताइए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? आपने कहा था कि कम चला जाएगा, कम हो जाएगा रुपया का रेट, 159 से कम, 159 से कम हो गया, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कौन सा पोजीशन था? शॉर्ट पोजीशन ऑन रुपीस, रुपया का शॉर्ट पोजीशन। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? हमने बेटिंग किया था कि कम हो जाएगा, किससे? 0.0159 से, और वाकई कम हो गया 0.0154। तो 1 रुपए पर, सुनना ध्यान से यहाँ, 1 रुपए, 1 रुपए पे शर्त लगा रहे थे, 1 रुपया पर, तो 1 रुपए पे आपको इतने का प्रॉफिट है। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का है? ₹5,60,000 इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 11, तो आपको कितने डॉलर का फायदा? सुनो, डॉलर का आएगा फायदा, यहां ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं ना फिर से, 1 रुपए पर इतने का फायदा, 1 रुपए पे ही तो निकल रहा है, 1 रुपए पर इतने डॉलर का फायदा। तो इतने रुपए पर 0.0159 माइनस 0.0154 इंटू 5,60,000 इंटू 11, तो $3,080 का फायदा। ठीक, यहां तक सर समझ में आया? यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि मुझे $3,080 का गेन होने वाला है, कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। और मुझे पेमेंट कितना करना है? $1,00,000। ठीक है, तो अच्छा है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो अब क्या करोगे? अब सीधा देखते हैं,
यहीं लिखता हूँ, टोटल डॉलर पेबल कितना है? डॉलर्स 1 लाख, इतना तो पे करना ही पड़ेगा, पर क्या आपको प्रॉफिट हो गया? माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो गया? इस बार तो डॉलर का फायदा है, डॉलर 3080, तो 1 लाख माइनस 3080, तो कितने का फायदा है? डॉलर 96920 का फायदा। ठीक है, फायदा नहीं, इतना पे करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। सर टोटल डॉलर इतना पेमेंट करना है, पर इतना डॉलर का तो हमको फायदा हो गया। यस, ये फायदा डॉलर में ही निकल गया, इस बार इतने डॉलर का फायदा हो गया। तो टोटल जो मुझे पेमेंट करना है, मुझे डॉलर खरीदना है, पेमेंट तो इतना ही करना है 1 लाख, पर उसमें से 3080 तो हमारे पास आ गया, तो हमें जो पेमेंट करना है, हमें जो खरीदना है, वो तो डॉलर 96920 खरीदना। एग्जैक्टली सर, अगर बिडास्क होता तो बेटे फिर मैं बाद में चर्चा करूंगा बिडास्क की, इसका क्या करना है, इसका क्या करना। अभी तो सिंपल सी बात है, सुनना ध्यान से। 1 लाख डॉलर का पेमेंट करना है, 1 लाख डॉलर, पर स्टॉक एक्शंस के थ्रू मुझे मिल गया, यहाँ बैटिंग करने से कितना डॉलर मिल गया? मुझे मिल गया डॉलर 3080। तो अब मुझे कितना डॉलर खरीदना पड़ेगा? अब सिर्फ 96920। अब कितने रुपए? अब यहाँ मुझे कहीं लिखना पड़ेगा भाई, तो इसको अभी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से तो लिख रहा हूँ बाय डॉलर 96920। किस रेट पर? एट स्पॉट रेट। और सर ये स्पॉट रेट कहाँ का रहेगा बेटे? स्पॉट रेट रहेगा ये वाला, मैच्योरिटी का, ये वाला रेट, स्पॉट रेट, मैच्योरिटी रेट कर देते हैं, मैच्योरिटी रेट, दैट इज रुपीज 1 इज इक्वल टू डॉलर 0.0156। तो डॉलर 96920 डिवाइडेड बाय डॉलर 0.0156, तो कितना रुपया लगेगा डिवाइडेड बाय 0.0156? तो हमको लगेगा रुपीज 6212820। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है और, मुझे इसमें इतना तो जाएगा ही जाएगा, प्लस और एक चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन मार्जिन अमाउंट, ये भी तो लेना पड़ेगा। कितना रुपए मार्जिन जमा कर रहे थे? 2,20,000। कितना परसेंट रेट लेना है? 10%। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स, तो देख लेते हैं। 2,20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो रुपीज 5,500, ये भी जोड़ लेते हैं, प्लस 6212820। तो करेंसी फ्यूचर में टोटल पेमेंट जाएगा 6218320। और जबकि फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट कितना जा रहा है? ये करेंसी फ्यूचर में, ये तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? करेंसी फ्यूचर। सर हमेशा आएगा कि करेंसी फ्यूचर? नहीं, ये जरूरी नहीं, करेंसी फ्यूचर इज बेटर ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लो। लोअर कैसे लो सर? ये थोड़ा सा टेक्निकल बन रहा है। टेक्निकल क्यों, किसमें हो रहा है सर? अगर हमारे रेट रुपया का दिया है ना, हमारे यहाँ का, तभी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो कुछ नहीं।
क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा वो डॉलर में हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट होता तो क्या करते? बाकी अगर रेट डॉलर का दिया है, दूसरी बाहर का रेट दे रखा है, बेस करेंसी अगर डॉलर वगैरह है, बाहर वाली करेंसी, तो कोई समस्या नहीं है। समस्या होम करेंसी वाली। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। तो सर दो एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और करवाना था। हाँ, और इस बार वाकई में रुपया का ही रेट लेके, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, रुपया का ही रेट लेकर लूँगा, लेकिन इस बार मैं इम्पोर्ट नहीं करता, इस बार मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम काम करें। याद रखना कि अब जो एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ, इसी के जैसे बड़े सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद सर, इसके बाद हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। तो अब ले लेते एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें मैं अब 1 month वाला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा जो काम की चीज है वही लिखूंगा, वो ज्यादा अच्छा। एक पर्सन मिस्टर है, इस बार भी यूएस को ही बेस लेते हैं। सर पाउंड वाउंड लिखिए ना बेटे, अधिकतर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए वो यूएस से आए हुए हैं ना, इसलिए मैं यूएस को ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या होने वाला? अब की बार इंपोर्ट बहुत हो गया, हम करने वाले हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आने वाला होगा कितना डॉलर? 1 lakh। इस बार 1 lakh डॉलर आने वाला है। दिस एक्सपोर्ट आने वाला कब है? 3 months ले लेते ये भी, 3 months। स्पॉट रेट ₹1 इज इक्वल टू डॉलर, मैंने कहा ना आपको उल्टा वाला रेट दूंगा, 0.01667। और अब सिर्फ काम का रेट दे रहा हूं, 3 month फॉरवर्ड रेट ₹1 इज इक्वल टू, डॉलर 0.01712। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अगर सोच के देखो, सोच कर देखो आने वाला क्या है डॉलर, तो जो चीज आने वाली उसके गिरने का डर, कहीं रेट कम ना हो जाए डॉलर का, तो मुझे अगर मुझे बैटिंग करना पड़े तो मैं ये बैटिंग करूंगा कि भाई साहब डॉलर का रेट कम हो जाएगा। पर अगर रुपया का रेट दिया तो क्या बैटिंग करूंगा? सर रुपया का रेट बढ़ जाएगा, और वाकई रुपया हमारा स्ट्रांग हो रहा है। खैर वो बाद में, सबसे पहले और भी इन्फॉर्मेशन लिख दूं। हाँ सर, और इन्फॉर्मेशन अब किससे रिलेटेड? करेंसी फ्यूचर। और करेंसी फ्यूचर सीधा 3 month फ्यूचर रेट दे देता हूं, 1 rupee इज इक्वल टू, अभी कितने में ट्रेड हो रहा है? 0.0164 अभी ये रेट चल रहा। ठीक है जी, ठीक है सर। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बता दोगे? कॉन्ट्रैक्ट साइज
रुपीस 5,49,000, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट 5,49,000, ठीक है, रुपया में दिया कॉन्ट्रैक्ट साइज, मार्जिन भी बताओ कि यस, मार्जिन भी अगर आपको 3 मंथ के लिए लेना, वही हमारे काम का है अभी, तो रुपीज 20,000 और इसकी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 12% पर एनम, ये भी हो गया। अब तो हो चुका है, रुको 20,000 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या जाएगा ऑन मैच्योरिटी, ये हमारे लिए काम का, ऑन मैच्योरिटी इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ, ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ लिखोगे ऑन मैच्योरिटी को क्या हुआ, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट ये मैच्योरिटी डेट का दिया डॉलर 0.0175 हो गया, 1715 ज्यादा, 1,70 हो गया, चलो 3 हो गया। एंड करेंसी फ्यूचर रेट, इसको चेंज कर रहा हूं, इसको 1,70 ताकि रियलिटी आ जाए कि ये 1,70 है, ठीक है। और ये रेट हो गया डॉलर 1 इज इक्वल टू 0.017, इसी के आसपास रख लेते 5, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये कब की बात है, 3 महीने बाद की, ये है बैंक वाला रेट, ये है स्टॉक एक्सचेंज वाला रेट, और आपको बताना विच ऑप्शन इज बेटर। चलो तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, फर्स्ट याद रखना कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोलेगा सितंबर में मुझे डिलीवरी मिलने वाली और जून का रेट दे रखा, तो जून का रेट मेरे लिए इरेलीवेंट है, मुझे तो सितंबर के रेट को बेस लेना पूरा की पूरा, वही 1 मंथ और 3 मंथ वाला, पर ऐसा भी इसमें है नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा फॉरवर्ड कवा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना है, डॉलर आने वाला है, डॉलर आने वाला तो क्या करोगे, सेल, सेल डॉलर 1,00,000 एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड इट डॉलर 1,00,000, चूंकि रुपया का रेट दिया है इसलिए डिवाइड होगा, और 3 मंथ फॉरवर्ड इट मतलब ये वाला काम का है आपका 0.0172, वन लैख डिवाइडेड बाय 0.0172, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.0172, तो आपको मिलेगा रुपीज 58,13,953, ठीक है, ये तो हो गए। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तब ऑप्शन नंबर 2, करेंसी फ्यूचर,
सबसे पहले ये डिसाइड करो कि किस बात का डर है। फिर से मैं बोलूं, डॉलर आने वाला है, डॉलर जो चीज आने वाली है कहीं वो सस्ती ना हो जाए, तो डॉलर के डेप्रिशिएट होने का डर। पर रेट किसका दिया है? रुपीस का, तो रुपीस के बढ़ने का डर। ठीक, याद रखना, मैं बार बार जिसका रेट दिया उसके विषय में सोचो। तो यहां पहला डॉट वी एफ्रेट ऑफ डॉलर फॉलिंग, डॉलर गिरेगा इस बात का डर है, बट बेस करेंसी इज रुपीस, मीन्स डॉलर के गिरने का डर, इट मीन्स रुपीस रुपया के बढ़ने का, राइजिंग। हेंस वी टेक, कौन जी कौन सा पोजिशन लोगे भाई? वी टेक, सर रुपया बढ़ेगा, वी टेक लॉन्ग पोजिशन। ऑन रुपीस एट एक ही रेट दिया इस बार, तो थ्री मंथ वाला, रुपीस वन इज इक्वल टू डॉलर 0.017। आप कह रहे हो कि इससे ऊपर जाएगा रुपया, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसके बिना करने होगा। तो क्या मिलने वाला है? डॉलर रिसीवेबल, डॉलर रिसीवेबल कितना डॉलर मिलने वाला है हमको? मिलने वाला है डॉलर 1 लाख। अब चेक करो कॉन्ट्रैक्ट साइज, चूंकि रुपया में दिया है, रुपया में, तो इसके इक्विवेलेंट डॉलर हमको निकालना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज में आप रुपीज में इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो रुपीस इक्विवेलेंट डॉलर 1 लाख डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होगा? इस रेट से। हाँ सर, ये तो हमने सीख लिया था, 0.0170, 1 लाख डिवाइडेड 0.0170, तो ये आ गया रुपीस 588 2353 53। और कॉन्ट्रैक्ट साइज तो हमको मालूम ही है, तो क्या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल सकता है? यस, तो यह निकाल लेते, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 5882353 डिवाइडेड बाय रुपीस 5,49,000। फाइव एट एट टू थ्री फाइव थ्री डिवाइडेड बाय 5,49,000। तो अब की बार आया 10.71 कॉन्ट्रैक्ट्स। सर तो कितना का रेट? 11 कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने कहा ना नियर किसके, इसको मैं राउंड ऑफ कर लूंगा, राउंड ऑफ करना आपको आता, 11 कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल हो गए। ये भी हो गया। अच्छा, मार्जिन का भी हिसाब किताब कर ले, मार्जिन एक कॉन्ट्रैक्ट पे मार्जिन कितना है? 20,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट। रुपीस 20,000 इंटू 11 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कितना रुपया जमा करना पड़ेगा? रुपीस 2,20,000। यहां तक तो अच्छा गया कुछ,
अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे सेटलमेंट को क्या होने वाला। हाँ जी, ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट को साहब पहले आप पता कीजिए कि आप करेंसी फ्यूचर में गेन हुआ है कि लॉस हुआ। तो सर मैच्योरिटी डेट को ऑन मैच्योरिटी करेंसी फ्यूचर रेट दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ रुपीज वन इज इक्वल टू डॉलर 0.0175। ये बताइए कि आपने क्या शर्त लगाया था। लॉन्ग पोजीशन था आपका, इट मीन्स अपसाइड बैटिंग की इससे बढ़ेगा रुपया 1710 से बढ़ेगा और 1715 हो गया, वाकई बढ़ गया तो आपको गेन हो गया ऑन मैच्योरिटी करेंसी फ्यूचर रेट रुपीज। हेंस प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पोजिशन, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पोजिशन ऑन रुपीस कितने का प्रॉफिट हुआ निकाल लेते, कितना हो गया रेट 1715। आप बोल रहे थे बढ़ेगा, यस पहले कितना था डॉलर 0.0170, ठीक है सर, इनटू कितने रुपए, एक रुपए पे इतने का फायदा, तो कितना रुपए, रुपीस 5883 इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11, एक रुपए पर इतने डॉलर का प्रॉफिट, तो इतने रुपए पर कितने डॉलर का फायदा, तो डॉलर में फायदा निकलेगा 0.01715 माइनस 0.0170 इनटू, नहीं गड़बड़ है भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइज तो 5,49,000 है ना, इनटू 5,49,000 इंटू 11, तो डॉलर का फायदा हो गया डॉलर 3019.50। फिर से देख लेता हूँ, 0.01715 माइनस 0.0170 इंटू 5,49,000 इंटू 11, 3019.50 डॉलर का फायदा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये हमको प्रॉफिट हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपको डॉलर रिसीवेबल है, तो रिसीव तो हो गई होगा, हाँ सर डॉलर रिसीवेबल, कितना डॉलर मिलेगा 1,00,000, और अब की बार ये तो मिलेगा ही मिलेगा उधर से, और स्टॉक एक्सचेंज में करेंसी फ्यूचर से आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट ऑन करेंसी फ्यूचर सर ये फायदा हो गया डॉलर 3019.50। तो बताओ आपके पास अब कितना डॉलर है, 1,00,000 प्लस 3019.50, तो आपके पास है डॉलर 1,03019.50, कितना डॉलर अवेलेबल है सर, क्या करोगे, बेच देंगे, सेल डॉलर 1,03019.50 एट स्पॉट रेट, सर कौन सा वाला बेटे, मैच्योरिटी रेट का, इस रेट पर दैट इज रुपीज वन इज इक्वल टू डॉलर 0.0
1713 इस रेट पे भेज देंगे, देख लेते कितना मिलेगा। 1030190.50 डिवाइडेड बाय डॉलर 0.0173, तो चेक करते कितने का फायदा हो गया। 1030.19.5 डिवाइडेड बाय 0.0173, तो फायदा नहीं हमको मिलेगा टोटल मिलाकर ₹59,54,884, ये भी ठीक है। ठीक है सर, बस एक चीज और रहेगी सर, बात खत्म हो चुकी। और क्या रह गया है जरा सोचिए, क्या रह गया है? रह ये गया है कि जो आपने मार्जिन जमा किया था, नो डाउट कि मार्जिन आपको मिल गया, लेकिन उस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये आपको मिलना है, तो इसमें से कॉस्ट क्या हो जाएगा, माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन मार्जिन अमाउंट। रुपीस मार्जिन कितना जमा किया था, 2,20,000, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12% इंटू 3/12, 2,20,000 इंटू 12% इंटू 3/12, तो ₹6,600। 5,954,884 तो ये आ गया ₹5,948,284, इतना रुपया मिलेगा अगर मैं करेंसी फ्यूचर में जाता हूं। तो फॉरवर्ड कवर में 58 लाख मिलेगा, इसमें 59 लाख मिलेगा, तो किस जिसमें ज्यादा मिलेगा वो ज्यादा, ये मिलने वाला है तो जिसमें ज्यादा मिलेगा वो अच्छा। तो आंसर लिख देंगे करेंसी फ्यूचर इज बेटर। Due to higher cash inflows, ठीक है। तो ये थे कॉन्सेप्ट्स, मैंने कहा ना तीन ही एग्जांपल में सब खत्म करवा दूंगा, बस थोड़ी सी सावधानी से काम करना अगर होम करेंसी में रेट दे रखा है तो। सर फिर भी अगर डाउट अबाउट बिट डाउट के लिए पूछोगे, प्लस अभी तो क्वेश्चन बनाने हैं तो क्वेश्चन में तो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर,